तो भाभी बच्चे क्या बोलने के शौकीन है, पश्तो या पंजाबी? बच्चे दोनों लैंग्वेज नहीं बोल रहे हैं। अरे क्या बोल रहे हैं, इशारे कर रहे हैं एक दूसरे को, क्या उर्दू में बात करते हैं, इंग्लिश में। लेकिन मैं चाहती हूँ वो पश्तो भी बोले पंजाबी भी बोले, मेरी भरपूर कोशिश है। मदर टंग तो सीख रहे हैं, जैसे मदर टंग आए फादर तो वैसे चुप बैठे रहते होंगे। ऐसी भी बात नहीं है, उन थोड़ा बहुत तो बोली, सिस्कियां तो नहीं लेते हैं, सिस्कियां पंजाबी में लेते हैं। हाँ जी। अच्छा ऐसा तो नहीं होता जैसे गुस्सा जब आ रहा होता है तो लोग यूजली अपनी मदर टंग में चले जाते हैं? जी सर। अरे ये तो होता है जी, जी। पंजाबी में स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा गुस्सा ही नहीं आता आप कुछ नहीं गुस्सा करते? नहीं मैं मेरा पश्तो तो बिल्कुल टोन ही अलग हो जाती है। आप पश्तो में बात करती हैं? दिल तराशा, हां इसको मैंने पहचान कर दिए आधा। आगे बोले बोले बोल दे मैं नहीं खैर रागले तुम तो आगे भागले। तो टीपू भाई जब स्क्रिप्ट आती है तो ये आपके पास आते हैं या खुद ही सिलेक्ट करके चले जाते हैं? नहीं स्क्रिप्ट, अच्छा कि इसको क्या करना है क्या नहीं, करूं नहीं, नहीं, नहीं वो ये खुद ही सिलेक्ट करते हैं या डायरेक्टर को पता चल गया पहले भाभी से ही पूछ लेते हैं टीपू को? नहीं हाँ एक ऐसा हुआ है कि कुछ इस तरह के सीन वगैरह होते हैं, एक्ट होते हैं तो ये जरूर मुझसे पूछते हैं बताते हैं कि इस तरह का है, तो मैं कहती हूँ आप खुद इतने बड़े एक्टर हैं खुद ही डिसाइड कर ले, मुझे आप पे डाउट माउट नहीं है। मैं आप पे तंज में कहती हूँ कि तुम खुद ही इतने बड़े एक्टर हो खुद ही डिसाइड कर लो, ये तो नहीं कहती तंज में एक्टर। मूड पे डिपेंड करता है बट यूजुअली नॉट शी। लेकिन ये इसका होता है कि मुझे ऐसा काम मिले जिससे मेरी बीवी हमेशा खुश रहे, ऐसा वाला ना हो कि मेरी बीवी मुझे कहे तुमने ये रोल क्यों किया। अच्छा किन रोलों से बीवी खुश नहीं होगी? रोमांटिक वही ना जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो। अच्छा उनसे आप खुश नहीं होंगी? कौन होता है पता नहीं भाई, मुझे तो मिला ही नहीं ऐसा रोल। शौहर होता है, शौहर तो खुश होता है।